हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन की 86। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट निकली थी सिविल और मैकेनिकल के पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आउट हो चुका है और साथ ही साथ अब इसका मेन्स का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो ओपन कर दिया गया है। दोस्तों, हम लेकर चलेंगे इसकी ऑफिशियल न्यूज़ पे आपको बताने के लिए कि कब से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और कब इसका पेमेंट करना है और कब आपके एग्जाम होंगे। चलिए, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबाएं ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को डालकर। यहां पे लाइनमैन और स्विच ऑपरेटर का जो एग्जाम हुआ था वो धांधली के चलते यहां पे रद्द कर दिया गया है। तो इस वीडियो को जरूर देखें और प्लीज यहां पे अब्यूजिंग वर्ड, मतलब जो होते हैं अब्यूजिंग, आप लोग यहां पे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो कमेंट या डिलीट हो जाते हैं तो आपका भी टाइम जाता है और आपका मुंह खराब होता है। ठीक है, चलिए, अन्यथा कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है। हम लेकर चलते हैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये देखिए, आप आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, आप डायरेक्ट जाके वहां से भी देख सकते हैं। अन्यथा बीपीएससी सर्च कीजिएगा गूगल पे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अब देखिए, यहां पे कल शाम को ही अपडेट किया गया था इसके ऑफिशियल इंपॉर्टेंट नोटिस पर। यहां नोटिस में जो दिया गया था, इस नोटिस को पहले डाउनलोड करके पढ़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट तो सभी ने पढ़ा ही होगा जिनका प्रीलिम्स निकला है। और इंस्ट्रक्शन फॉर द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं यहां पे। आप इसको डाउनलोड करके एक बार अपने पास सेव भी कर लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा कि क्या है इंस्ट्रक्शन फॉर्म को भरने का। चलिए, मैं लेकर चलता हूं सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट नोटिस पे। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां इसका नोटिस डाउनलोड हो चुका है और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 2017-2 का है। और आपको यहां बता दें कि देखिए, इसके लिए जो 15-9 को इसका प्रीलिम्स के लिए आयोजित किया गया था प्रारंभिक परीक्षा के लिए, और 15 सितंबर 2018 की इसकी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी जिसका रिजल्ट अभी आया था। थोड़े दिन पहले मैंने अपडेट भी किया था अपने चैनल पे, उसके रिगार्डिंग है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो डेट दी गई है 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक। जी हाँ, आप कर सकते हैं अपना आवेदन, वही कैंडिडेट जिनका उम्मीदवारी हुआ है प्रारंभिक परीक्षा में, यानी कि जिनका प्रीलिम्स का रिजल्ट निकला है, वो अपना आवेदन कर सकते हैं मेंस के लिए। अब जो डेट है उन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेट बताई गई है वो परीक्षा शुल्क है उनका, डेट है भरने का 18 फरवरी से 22 फरवरी तक। ओके, फिर उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है, जो कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन करेंगे, रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, उसके बाद फिर से आपको आवेदन भी करना है, सारा डिटेल फिर से देना है आपको, तो वो डेट है आपका 19 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक। और आखिरी चीज़ बताऊँगा मैं आपको कि ये 8 मार्च को, जी हाँ, 8 मार्च से पहले ही आप कोशिश कीजिएगा कि जल्द से जल्द इसको भेज दें, अपने हार्ड कॉपी, अपने डॉक्यूमेंट्स के और आपके जो प्रमाण पत्र हैं उन सब के। अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी बिलोंग करते हैं तो अपने जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पे भेजना है आपको, उसका हार्ड कॉपी अटैच करके, और 8 मार्च से पहले शाम के 5 बजे तक। ठीक है, तो ये सारे डेट्स जो हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डेट्स इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम गया तो कुछ भी नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसके नोट्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं कि रजिस्ट्रेशन करने की तिथि 14 फरवरी रखी गई है, उसके बाद 18 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक परीक्षा शुल्क ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा, जो कि उसका आवेदन लिंक उपलब्ध होगा। ठीक है, इसका लिंक वहाँ पर बीपीएससी की साइट पर ही दिया जाएगा, मैं हर पल की खबर आप तक देता रहूँगा। ठीक है, आप बने रहिएगा, बीपीएससी का कोई भी अगर लिंक ओपन होता है तो हम शेयर जरूर करेंगे आपके साथ। और जिस तिथि को भुगतान किया जाएगा उसके अगले तिथि को पूर्वाह्न 11 बजे के बाद से आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना अप्लाई कर सकेंगे। तो कब होगा, जैसे कि मान लीजिए आज है 18 तारीख, आज आपने मान लिया फॉर्म भर दिया, आवेदन कर दिया, पैसे भर दिए अपने, उसके बाद 19 तारीख को, ठीक है, ठीक 24 घंटे के बाद आप इसको आवेदन कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म। और ये जो है तिथि है 22 फरवरी तक, उसके पहले आपको कर लेना है। ठीक है, अब उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना जो दी गई है ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए, उसको आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे लिखा गया है कि अभ्यर्थी आवेदन के प्रक्रिया की, यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट को विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रारंभ आवश्यक एवं विस्तृत
भली भांति अध्ययन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, मैं बार बार आपको कहता हूँ हर वीडियो में कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उस नोटिफिकेशन का जो नोटिस है उसे अच्छे से पढ़ लेना होता है, पढ़ने के बाद ही उस विज्ञापन पे आप फॉर्म भरना शुरू कीजिएगा। चलिए वैसे तो ये मेंस का एग्जाम है, इसके लिए तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपने प्रीलिम्स में अपना रजिस्ट्रेशन किया ही होगा, ठीक है। फिर से आपको यहाँ पे करना है, अब मैं इसको आपको लेकर चलता हूँ, स्टेप बाय स्टेप जो इसके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसको दिखलाना चाहता हूँ मैं आपको। फिर से आना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और ये जो लिंक दिया है इंस्ट्रक्शन फॉर द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये देखिए एडवर्टाइजमेंट है जो कि शुरू में निकला था इसका, तो एडवर्टाइजमेंट है, इसको भी डाउनलोड करके रख लीजिएगा, कभी काम आए तो सही है, ठीक है। चलिए इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, और ये डाउनलोड हो जाएगा आपके सामने, ऐसे ओपन हो जाएगा, और इसको आप भी सेव करके रखिएगा सारे इंस्ट्रक्शन को, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताया गया है, सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व आवेदन सुनिश्चित हो ले कि जो कार्यरत हैं, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास अपना होना चाहिए मौजूद, ठीक है, जो कि भविष्य में इसको रखेंगे उसी पर आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। दूसरी चीज़ साथ में आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन का अध्ययन अच्छी तरह से कर लेंगे, आवश्यक सुनिश्चित हो लेंगे कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले वंचित ना रह जाए कोई चीज़, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं पढ़ोगे तो क्या क्या डिमांड किया गया है यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें अगर आप वहाँ लेके नहीं बैठोगे तो सपोज मान लो टाइम आउट भी हो जाता है कभी कभी, कि आप फॉर्म आधा भर लिए फिर कुछ छूट गया तो आप लाने चले गए, उसका जेरोक्स कराने चले गए, तो इन सब चीज़ों में कुछ चीज़ छूट जाती है तो यहाँ पे टाइम आउट हो जाता है, तो आपका फिर से प्रोसेस में करना पड़ेगा। इसलिए सारी चीज़ें पढ़ के एक बार अपने पास रख लीजिएगा, उसके बाद आवेदन करना शुरू कीजिएगा। स्टेप वन में कहा गया है आपको कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का टैब क्लिक करते ही, जो कि अभी आपको दिया जाएगा इस वेबसाइट पे, इसका भी लिंक दे दूंगा, onlinebpsc.bihar.gov.in पे, ठीक है, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक आएगा, करते ही इस पद के लिए आवेदन करना शुरू हो जाएगा। उसके सामने अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन पेज पे जाएंगे और वहाँ आवेदक अपना यूज़र नेम और ईमेल आईडी डालकर, या फिर ईमेल आईडी या फिर यूज़र जो भी आता है यूज़र नेम आपका और पासवर्ड डाल के वहाँ लॉगिन कर लेंगे सबमिट करने के बाद, ठीक है। अब देखो सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद सुनिश्चित कर लेंगे कि आपके द्वारा भरी गई सभी सूचनाएं हैं वो सही हैं या नहीं है, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट बात रखी गई है। स्टेप टू क्या कहता है यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन के बाद 18 तारीख को यानी कि 18 फरवरी से 22 फरवरी के बीच आपका परीक्षा का शुल्क लिया जाएगा, ठीक है। आवेदन पेमेंट जो होगा आपका ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, आप बैंक के थ्रू भी जाके चालान भर सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि ऑनलाइन हो जाए, आपका काम और आपका समय दोनों ही बचेगा। तीसरा स्टेप है यहाँ पे कि पेमेंट करने के अगले दिन 11 बजे के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक ओपन हो जाएगा आपका, और एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक कीजिएगा और वहां से प्रोसेस शुरू कीजिएगा अपने फॉर्म को भरने के लिए। अब देखिए यहां पे जो जितने इंस्ट्रक्शन हैं, करीब 6 इंस्ट्रक्शन हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद 6 इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद फिर फॉर्म को भरना शुरू कीजिएगा। और देखिए कोई भी अभ्यर्थी को पेमेंट करने में कोई भी टेक्निकल अगर प्रॉब्लम होती है तो एक यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप वहाँ से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। दोस्तों ये क्या क्या इंस्ट्रक्शन है थ्री में, इसे अच्छे से पढ़िएगा। फ़ोटो को 15 KB का होना चाहिए और 25 KB, माफ़ कीजिएगा, हस्ताक्षर का फ़ोटो 15 KB और जो पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो है वो 25 KB का होना चाहिए, ये कहा गया है पारा नंबर 3 में। वहीं पे कहा गया है 4 में कि प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके एक बार सारा प्रीव्यू कर लें कि आपने जो फॉर्म भरा है उसमें कोई गलती तो नहीं है। 5वें में कहा गया है कि सबमिट बटन से पहले सूचनाएं जो दी गई हैं उसमें अपने हस्ताक्षर और फोटो को अपलोड अच्छे से कर लें, और जब तक फ़ोटो अपलोड नहीं होगा तब तक आपका एडमिट कार्ड भी बन के नहीं आ पाएगा, इसलिए फ़ोटो और सिग्नेचर अच्छे से जो यहाँ पे साइज़ दिया गया है उसी साइज़ में रख के उसको अपलोड करें। 6ठे में यही कहा गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, बार कोड के द्वारा दिया जाएगा और साथ ही साथ सबमिटेड अप्लीकेशन अंकित भी किए जाएंगे। जी हाँ, इसके डाउनलोड जो अप्लीकेशन होंगे वो आपको कब भरना है, कब लेना है, सबके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। जब आप इसे भर लोगे तो उसका एक हार्ड कॉपी, जैसे कि मान लो आपने सारा रजिस्ट्रेशन कर दिया, आवेदन कर दिया, उसके बाद फ़ोटो भी
अपलोड कर दिया पेमेंट करने के बाद, ठीक है, सारी चीज़ें प्रोसेस होगी। उसके बाद आपको इसका हार्ड कॉपी रखना होगा ताकि आपका सुनिश्चित रहे, आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर वगैरह सारा सारा चीज़ें, ठीक है। अब ये है यहाँ पे, अब ऑनलाइन से आवेदन जितने भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो इन तीनों पारा में दिया गया है, तो इसको भी देख लीजिएगा। यूज़र नेम पासवर्ड आपको मिल जाएगा, उसको सुनिश्चित यानी कि सेफ रखना है, किसी को शेयर नहीं करना है। साथ ही साथ ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पेमेंट के रिगार्डिंग। तो दोस्तों ये सारी सूचनाएँ आपको देनी थी हम अपने इस चैनल के माध्यम से, और आपको बताना था कि बीपीएससी का जो सिविल इंजीनियर्स का, जी हाँ, मेंस का एग्ज़ाम है, उसका डेट आ चुका है और रजिस्ट्रेशन कब से होगा, सारी डेट को दिमाग में रख के आप इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा जिनका भी प्रॉब्लम्स निकला है। चलिए तो आपके लिए आज तक के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।